ट्रक कंटेनर की यार्ड में गो तस्करी का मामला सामने आया है। सुसाइड करने की धमकी देने का एक महिला का वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है। वीडियो में पति और दो बच्चों सहित सुसाइड करने की बात कह रही है पीड़िता। अजमेर की पलटन बाजार की रहने वाली महिला के खाते से अज्ञात बदमाशों ने धोखाधड़ी करके 50,000 रुपए पर हाथ साफ कर दिया। अलवर की खेडली थाने में विवाहिता के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आने के बाद महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। जयपुर के बगरू थाना इलाके में एक डेंटल कॉलेज के पीछे प्रथम वर्ष की छात्रा के साथ रैगिंग हुई है। उदयपुर में नाले में मिला युवक का शव, जिंक चौराहे पर नाले में मिला शव, पुलिस जांच पड़ताल करने में जुटी। कोटा के बोरखेड़ा इलाका थाना में प्रॉपर्टी डीलर पर हमले के मामले में आरोपी अभी भी गिरफ्त से दूर है। फलोदी पुलिस द्वारा नशे और स्मैक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना पर 50 ग्राम स्मैक के साथ बीती रात एक आरोपी को भी गिरफ्तार करने में सफलता मिली। सीकर की कोतवाली पुलिस ने वाहनों के फर्जी रवाना जारी करने के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी राज।